अगर पाना चाहते हो लौकी की बेल पर ढेर सारी लौकियाँ इस तरह से, इससे भी ज़्यादा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम वो सारी बातें कहेंगे जो कि हमें ढेर सारी लौकियाँ पाने के लिए ज़रूरी होती है, कुछ गलतियाँ होती है जो हमें नहीं करनी होती है। और अगर आप इस चैनल पर, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से, स्वागत है आप सभी का सुप्रियाज किचन गार्डन में। तो चलिए हमारे वीडियो को अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमें कई सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमारी लौकियों पर छोटी छोटी लौकियाँ तो आती है लेकिन ये वो पीली होकर गल जाती है और लौकी की बेलों पर अच्छे से फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो इसी का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि क्यों नहीं लौकियाँ बन पाती है। लौकी की बेल पर दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। दोनों फ्लावर्स को हम आज आपको दिखाएंगे और लौकी के छोटे छोटे फल झड़ने के दो रीज़न होते हैं। एक तो आपके लौकी के बेल पर पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है और दूसरा रीज़न ये है कि आप वाटरिंग, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं लौकी की बेल को। अगर आपकी बेलों पर पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। तो हैंड पॉलिनेशन किस तरह से किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। और लौकी के फ्लावर्स शाम के टाइम पर खिलते हैं और शाम के टाइम पर ही इनका पॉलिनेशन करना होता है हमें। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हैंड पॉलिनेशन किस तरह से किया जाता है। ये कली दिख रही है आपको, ये फीमेल फ्लावर की कली है जो कि फ्लावर के पीछे छोटी सी लौकी लगी हुई होती है, उसे फीमेल फ्लावर कहते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये फ्लावर के पीछे से जो लौकी दिख रही है आपको छोटी सी, ये फीमेल फ्लावर है। अगर इस फ्लावर को हम पॉलिनेट नहीं करेंगे, इसका पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो ये भी हमारी लौकी नहीं बन पाएगी, ये भी गल जाएगी। और मैं आपको मेल फ्लावर दिखा दूँ, ये देखिए ये मेल फ्लावर के पीछे से लौकी नहीं होती है, देखिए इसके पीछे लौकी नहीं लगी हुई है तो ये मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर की कली है, अभी खिलने वाली है। ये देखिए ये भी मेल फ्लावर ही है, देखिए इस तरह से इसके बीच में जो होते हैं पॉलन्स वो हमें लेकर, ये देखिए ये फीमेल फ्लावर की कली है, इस पर देखिए ये पॉलिनेटर्स दिख रहे हैं आपको। अभी ये मेल फ्लावर है, हम इस मेल फ्लावर को तोड़ भी सकते हैं। दो तरह से हम पॉलिनेशन कर सकते हैं, एक तो ब्रश से कर सकते हैं या फिर आप सीधे मेल फ्लावर को निकालिए। वैसे भी मेल फ्लावर ये गिर ही जाते हैं और लौकी के बेलों पर मेल फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम डायरेक्ट फ्लावर निकाल कर उसके पेटल्स हटाकर उसमें उसके बीच में जो पॉलन्स होते हैं ये, इसे हम फीमेल फ्लावर के ऊपर लगा देंगे। देखिए अब किस तरह से लगाएंगे हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमने ये सारे हटा दिए हैं इसके पेटल्स। अभी ये फीमेल फ्लावर है, इसके बीच में जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ये इसका स्टिग्मा है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। अभी ये मेल फ्लावर का के पेटल्स हमने हटाकर, देखिए इसके पॉलन्स को हमने ऊपर निकाला है। ये हम इसके पॉलन्स को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर इस तरह से लगाएंगे अच्छे से, ताकि वो अच्छे से लग पाए। अगर आपके हैंड पॉलिनेशन के बाद ये फ्लावर अगर गल नहीं गया, लौकी में ट्रांसफ़र हो गया, तो समझिए कि आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया। जब ये लौकी के फ्लावर्स खिलते हैं उसके बाद ही हमें, उसके बाद जल्दी ही हमें ये हैंड पॉलिनेशन करना होता है। ये फ्लावर्स हमेशा शाम को खिलते हैं, ये देखिए ये छोटी सी कलियाँ आपको दिख रही है लौकी में, तो ये फ्लावर्स जब शाम के टाइम पर खिलते हैं तभी हमें इसका पॉलिनेशन करना होता है। अगर हम ज़्यादा वक्त लगाते हैं तो ये हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। और आप वाटरिंग भी लौकी की बेलों पर कम करें तो बेटर रहेगा, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी आपकी कलियाँ गल जाती है, लौकियाँ नहीं बन पाती है। और इसी तरह से तोरई में भी अब हैंड पॉलिनेशन किया जाता है, उसमें भी इसी तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर के पीछे छोटी सी तोरई लगी हुई होती है और ककड़ी की भी हैंड पॉलिनेशन इसी तरह से की जाती है। तोरई के भी फ्लावर्स शाम को ही खिलते हैं तो उनको भी शाम को ही पॉलिनेशन करना होता है।
तो आपको कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करना है लौकी की बेलों पर, और दूसरी बात आपको हैंड पॉलिनेशन भी हमने बता दिया है, हैंड पॉलिनेशन करना है वो भी शाम के टाइम पर ही करना है, फ्लावर खिलने के बाद, ज़्यादा देर से नहीं, जल्दी ही करना है, एक दो घंटे के अंतराल में आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप हैंड पॉलिनेशन करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और जब बेले फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो हमें खाद भी जल्दी जल्दी देनी होती है, हर हफ्ते में, हफ्ते बाद और 15 दिन के बाद हमें अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, बनाना पील फर्टिलाइजर, इस तरह की हमें खाद देनी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम एयर लेयरिंग किस तरह से की जाती है फ्रूटिंग प्लांट्स को, उसी प्लांट पर एयर लेयरिंग कर कर नया प्लांट किस तरह से बनाया जाता है वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, और टेम्पररी कैरी किस तरह से बनाई जाती है वो भी हम बताएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू।